मिर्जापुर सीजन 1 को खूब पसंद किया गया और इस सीजन के बाद से ही मिर्जापुर सीजन 2 का इंतजार किया जाने लगा। अब इस सीजन की डेट अनाउंस की जा चुकी है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले सीजन में क्या कुछ बदलाव होंगे और कौन से नए कैरेक्टर्स जुड़ने वाले हैं। में आए मिर्जापुर सीजन 1 के बाद अब मिर्जापुर सीजन 2 23 अक्टूबर से अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा। इस सीजन में पिछले सीजन के मुकाबले कुछ कैरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया है और अब कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी होने जा रहा है। उन कैरेक्टर्स में जो नाम है वो सुनिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है प्रियांशु पेन्यूली का। प्रियांशु पेन्यूली इससे पहले नेटफ्लिक्स पर आई हॉलीवुड स्टार फिल्म क्रिस हेम्सवर्थ और रणदीप हुड्डा की फिल्म एक्सट्रैक्शन में विलेन का किरदार निभा चुके हैं और मिर्जापुर सीजन 2 में भी वो एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। इसके बाद नाम आता है विजय वर्मा का। विजय वर्मा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय में इससे पहले नजर आ चुके हैं। उनके काम को वहां पर खूब पसंद भी किया गया था। इसके अलावा वो जानवी कपूर के साथ नेटफ्लिक्स की घोस्ट स्टोरीज में भी दिख चुके हैं। मिर्जापुर 2 के अलावा विजय वर्मा बहुत जल्द तब्बू और ईशान खट्टर की फिल्म असूटेबल बॉय में भी नजर आने वाले हैं और मिर्जापुर 2 में भी विजय वर्मा का एक अहम किरदार होगा। इस लिस्ट में तीसरा नाम है ईशा तलवार का। मिर्जापुर 2 में ईशा तलवार के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इससे पहले ईशा तलवार आर्टिकल 15 में आयुष्मान खुराना के साथ काम कर चुकी हैं। इसके अलावा संजय मिश्रा की फिल्म कामयाब जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, ईशा उसमें भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मिर्जापुर सीजन 2 की डेट अनाउंस होने के बाद से ही ये सीरीज विवादों में भी घिर गई थी। ट्विटर पर बॉयकॉट मिर्जापुर 2 ट्रेंड करने लगा था। कारण था अली फैजल के कुछ ट्वीट्स जो कि उन्होंने CAA प्रोटेस्ट के वक्त किए थे। अली फैजल ने ये ट्वीट CAA को लेकर प्रोटेस्ट करने वालों के समर्थन में किए थे और अब वो लोग जो CAA के समर्थन में नहीं थे वो लोग अब मिर्जापुर 2 को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। हालांकि लोगों में इसका एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट दोनों ही बना हुआ है। मिर्जापुर सीजन 2 में होने वाले नए कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन को लेकर और इस सीरीज को लेकर आपका क्या कहना है, आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ABP News आपको रखे आगे।